नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज संपूर्ण भारत भर में शिवरात्रि बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। भारत के अनेक जगहों पर आज शिव बाबा की जय जयकार के साथ साथ गली मोहल्ले और अनेक मंदिरों में आज शुभ यात्राओं के साथ साथ यह देखी जा रही है कि शोभा यात्रा और बाबा जी की पूजा अर्चना लगातार मंदिरों में चल रही है। वहीं माँ बहन बेटियां सभी लोग आज व्रत के साथ साथ गुणगान करती आ रही हैं। यह सदियों से भारत की सनातन धर्म के लोग मानते आते हैं। शिवरात्रि का यह पावन सनातन धर्मों की जागरूक करने और सदैव प्रभु शिव बाबा की आराधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाती है। या इस शिवरात्रि की बेला पर सभी लोग आज भारत के सभी महापर्व की इस शुभ रात्रि पर माँ बहन बेटियाँ भाई बुजुर्ग सभी आज व्रत हैं और भोले जी की जय जयकार पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक खास रिपोर्टिंग देखिए राजेश रिटायर अधिकारी राजेश गुप्ता जी के शिवरात्रि पर्व पर संदेश सुने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवरात्रि की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमें बाबा भोलेनाथ बहुत कुछ सिखा देते हैं और बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत कुछ सिखा चुके हैं, फिर भी हमने उसको कितना अपनाया अपने जीवन में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भोले बाबा अगर देखा जाए तो पूरी प्रकृति को दिखाने के लिए अपनी पूजा में हर सामान को वो स्वीकार करते हैं। प्रकृति में विभिन्न तरह के फूल, विभिन्न तरह के प्रकृति में पत्तियाँ, विभिन्न तरह की औषधियाँ, विभिन्न तरह की चीज़ें जो हमें मालूम भी नहीं है वो भोले बाबा की पूजा के माध्यम से हमें पता लग जाती हैं। और उस प्रकृति के माध्यम से ही हम भोले बाबा को खुश करने के साथ साथ प्रकृति को भी नज़दीक से देखते हैं। क्योंकि प्रकृति से वो जुड़े हुए हैं इसलिए हमें प्रकृति के संरक्षण, उसके पर्यावरण को भी सोच समझकर इसमें शामिल होकर इसकी पूजा भी करनी चाहिए जो पर्यावरण के लिए संबंधित है। भोले बाबा को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, मतलब ऐसे नाथ जो पशुओं को भी देखते हैं, उनको भी रक्षा करते हैं और उनको भी प्यार करते हैं। जब आप उनका श्रृंगार देखेंगे, रूप देखेंगे तो उसमें पशु पक्षी जानवर प्रकृति सब समाहित है। और ये जो समाहित है ये हमें बताती है कि प्रकृति में हर चीज़ की, हर व्यक्ति की, हर पशु की, हर फूल पत्ती की एक अपनी महत्ता है, एक अपनी ज़रूरत की महत्ता है। इसलिए इस हर हर महादेव की पूजा में हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो मित्रता हो, चाहे हमें अपने रूप को एक पुरुष के रूप में, एक स्त्री के रूप में, दोनों रूप में वो हमें प्रदर्शित करते हैं। और वो रूप प्रदर्शित करता है कि हमें अपने दोनों रूपों के जो विचारधाराएं हैं, जो सोचने की हमारी एक धारा है, वो दोनों तरह से है, वो दोनों तरह से समाहित होकर हमें इस संसार में अपने जीने की, दूसरे को जीने की सलाह और एक शिक्षा देती है। हमें आनंद पूजा के साथ देने लेने का जो माध्यम है वो तो है ही, हमें उनके दिए हुए अक्षरों के मंत्रों से जो ध्वनि निकलती है वो भी हमारे इस वातावरण को, इस शरीर को एक बहुत ही औषधिमान, एक बहुत ही स्वस्थमान, एक बहुत ही प्रकृति को जोड़ने वाली, बहुत ही नज़दीक लाने वाली बनती है। इसलिए फागुन मास के इस महाशिवरात्रि के पर्व पर भोले बाबा हम सब लोगों के ऊपर
आशीर्वाद बनाए रखें, हम सब लोगों को स्वस्थ बनाए रखें। और वास्तव में देखा जाए तो भोले बाबा ऐसे हैं जो शिवरात्रि के दिन इस धरती पर उनका लिंग के रूप में जो है प्रकट हुए थे, और वो उनका वास्तव में लोगों के प्रति एक हर जगह उपलब्धता ये दिखाती है कि भोले बाबा का मंदिर जहाँ जंगल हो वहाँ पर भी मिलेगा, और चाहे आपका एक बहुत बड़ा शहर हो उसमें भी मिलेगा, मगर फिर भी भोले बाबा कहाँ कहाँ विराजमान हैं इस धरती पर, बहुत सी जगह तो अभी हम लोग मानव लोग पता लगा ही नहीं पाए हैं, और जो पता लग गया है वो तो बहुत कम है। पता नहीं कितने ऐसे ऐसे मंदिर हैं, गुफाएं हैं, ऐसे ऐसी उनकी जो है जगह पर स्थान लिए हुए हैं जिनको आज तक मानव ने नहीं पता लगा पाया है। ये एक प्रकृति की देन है, और वास्तव में ऐसे महादेव, ऐसे जो है भोले बाबा सबके ऊपर कृपा करके अपनी आशीर्वाद की दृष्टि बनाए रखें, और सब लोग इस देश में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, प्रसन्न रहें, समृद्धशाली रहें। यही हमारे शिवरात्रि पर भारतवर्ष के देश के नागरिकों के लिए एक जो है विनती है, और आप सब लोगों को इस महाशिवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।